नमस्कार, मैं रविश कुमार। सहिष्णुता असहिष्णुता की बहस में फिल्म जगत ने जिस विविधता का अभूतपूर्व प्रदर्शन किया था, आज उसी फिल्म जगत ने अभूतपूर्व एकता का प्रदर्शन किया है। आमिर ने सबको बांट दिया था, सलमान ने सबको एक कर दिया है, अचानक से सब चुप हो गए हैं। राजनीति भी ऐसे चुप है जैसे वो फिल्म ही ना देखती हो। 10 दिसंबर को बॉलीवुड में एकता दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए। सहिष्णुता असहिष्णुता वाली बहस में जो लोग जिन लोगों के सहारे बटे थे, उन लोगों को फिलहाल बटे होने के लिए कोई मिल नहीं रहा है, क्योंकि वे या तो चुप हो गए हैं या अनुपम खेर की तरह स्वागत कर रहे हैं। न्याय होना ही नहीं चाहिए, होते हुए भी दिखना चाहिए। और जैसे ही सलमान के फैंस को उनके पक्ष में न्याय होते हुए दिखा, वे नाचते गाते उनके घर पहुंच गए। न्याय की इस घड़ी में खूब नाचे गाए। मुझे पता नहीं आप इस नाच गाने में शामिल हैं या नहीं, क्या आप दर्शक भी अपने घरों में सलमान के लिए नाच रहे हैं? न्याय होते हुए दिखना चाहिए या किसके साथ हो रहा है पहले ये दिखना चाहिए, या न्याय को देखना ही नहीं चाहिए कि वो किसके साथ हो रहा है? भले ही न्याय की मूर्ति पर पट्टी लगी होती है, लेकिन न्याय होने के इंतजार में खड़े लोगों की आंख पर पट्टी नहीं होती है। सलमान अपने लिए जिसे इंसाफ कहेंगे, जाहिर है अब्दुल नहीं कहेंगे। अगर अब्दुल और शरीफ के साथ भी इंसाफ हो गया है, तो उन्हें या उनके परिवार को भी फैंस की टोली में जाकर डांस करना चाहिए। जज की मंशा की तो नहीं, लेकिन अदालत के फैसलों की सार्वजनिक समीक्षा की जा सकती है। हाई कोर्ट ने एक तरह से सेशन कोर्ट के फैसले की समीक्षा ही की है, और अभी सुप्रीम कोर्ट की समीक्षा बाकी है। लेकिन 6 मई के फैसले में सलमान खान को 5 साल की सजा हो जाती है, और 10 दिसंबर को उनके खिलाफ कोई सबूत ही नहीं मिलता है। अदालतों के इतिहास में ऐसा होता है, 2 अदालतों के फैसले में अंतर होता है, और सुप्रीम कोर्ट के ही 1 से लेकर 2 और 3 जजों की बेंच के फैसले में अंतर हो जाता है। लेकिन क्या इतना अंतर आना चाहिए? 5 साल की सजा और फिर सीधे सीधे बरी। क्या सलमान खान को सलमान होने का लाभ मिला है? अगर यह सवाल है, तो क्या सलमान को सलमान होने की सजा नहीं मिली? फैसला सुनाते वक्त हाईकोर्ट के जज ने कहा कि जनता की सोच के आधार पर फैसले नहीं लिए जा सकते, अदालत सिर्फ सबूतों के आधार पर फैसला लेती है। जो सबूत पेश किए गए उन्हें न्याय संगत नहीं माना जा सकता। सितंबर 2002 की रात सलमान की गाड़ी से मारा गया महबूब शरीफ तो अब दुनिया में नहीं है, उसकी मौत का जिम्मेदार कौन है यह जब तक पता नहीं चल सकता। क्या सिर्फ आरोपी के बरी हो जाने पर नाच गाना करना या इंसाफ को पूरा होना मान लेना सही होगा? आखिर उस रात गाड़ी कौन चला रहा था, चलाने वाला नशे में था या नहीं? इन सवालों के जवाब क्या अब कभी नहीं मिलेंगे? क्या गाड़ी अपने आप चल रही थी या मरने वाला मरा ही नहीं? फिर अब्दुल की एक टांग कैसे खराब हो गई? क्या इतने सारे गरीब लोग ताकतवर सलमान के खिलाफ साजिश कर रहे थे? यह भी समझना चाहिए कि अदालत के पास जैसे सबूत होंगे, फैसला भी वैसा ही आएगा। सबूत से जुड़े सवालों की जिम्मेदारी पुलिस की बनती है। क्या पुलिस इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी? यह सवाल महाराष्ट्र सरकार से पूछा जाना चाहिए। अदालत ने पुलिस के पेश किए हुए सबूतों को पर्याप्त नहीं माना, या पुलिस के इरादे को लेकर कुछ शक हुआ? इस सवाल का मुकम्मल जवाब तो फैसले की कॉपी पढ़ने के बाद ही मिलेगा। क्या अदालत ने ऐसा कहा कि पुलिस ने सलमान की मदद की? मैंने फैसला नहीं पढ़ा है। हमारे सहयोगी सुनील सिंह और सांतिया की रिपोर्ट फाइल की है कि कई कारणों से अदालत के बाहर खड़े रिपोर्टरों को समझ आ गया था कि सलमान बरी होने जा रहे हैं। जज आर जोशी की उन टिप्पणियों से रिपोर्टर आश्वस्त होने लगे थे कि अदालत की नजर किन किन खामियों पर है। जज ने कहा भी कि कोई भी गंभीर संदेह किसी को दोषी साबित करने के लिए काफी नहीं है। अभियोजन पक्ष ऐसे सबूत नहीं दे सका जिससे कुछ साबित हो जाए, उसके सबूत महज परिस्थिति जन्य है। बिल्कुल सही बात है, ऐसा होता है। अभियोजन पक्ष यानी पुलिस यानी सरकार पर। क्या आपको भी लग रहा है कि इस मामले में सलमान के साथ मामले की जांच करने वाली पुलिस भी बरी हो गई है? अदालत ने कहा कि संदेह का लाभ आरोपी को मिलता है, लेकिन क्या इसकी बहस हो सकती है कि जांच के दौरान संदेह की स्थितियां पैदा भी की जा सकती हैं या नहीं? इसीलिए इस केस को लेकर पुलिस से जुड़े सवालों और फैसले से जुड़े सवालों में फर्क करना चाहिए। हमारे सहयोगी सुनील सिंह के अनुसार सरकारी पक्ष के पास सबसे बड़ा गवाह कांस्टेबल रविंद्र पाटिल था। उसका बयान धारा 164 के तहत मजिस्ट्रेट के सामने हुआ, लेकिन हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि रविंद्र पाटिल की गवाही को पूरी तरह से सबूत मानकर निचली अदालत ने गलती की। कांस्टेबल पाटिल हादसे के वक्त सलमान के साथ था और उसी ने पुलिस को हादसे की सूचना दी थी। सलमान बरी हो गए, मगर रविंद्र पाटिल को अन्य मामले में जेल हो गई। कहा गया कि पुलिस ने बहुत दबाव डाला, मगर पाटिल नहीं बदले तो उसे फंसा दिया गया। अब पाटिल इस दुनिया में नहीं है।
अदालत के फैसले पर सवाल उठाए जाते हैं, पर एक सवाल सवाल उठाने वालों पर भी उठना चाहिए। क्या वे अपनी सुविधा के अनुसार सवाल नहीं उठाते हैं? कभी अदालत के फैसले को अंतिम मानने का दबाव डालते हैं और कभी कहते हैं कि इसमें अमीर और गरीब का भेद हो गया। बड़ा सवाल है कि निचली अदालत में जो हुआ वो हाई कोर्ट तक आते आते कैसे पलट गया। हमारी मुंबई टीम ने कुछ बिंदुओं पर सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट के नजरिए में अंतर को आपके लिए तैयार किया है। पहला सवाल था कि सलमान ने शराब पी थी या नहीं। सेशन कोर्ट ने माना कि रेन बार के मैनेजर रिजवान ने सेशन कोर्ट में बयान दिया कि सलमान के साथ आए उनके भाई सुहेल ने शराब का ऑर्डर दिया था, लेकिन हाई कोर्ट ने कहा कि सलमान रेन बार तो गए थे ये साबित होता है, लेकिन सलमान को उस रात किसी ने शराब पीते नहीं देखा। फिर सेशन कोर्ट ने माना कि पुलिस ने होटल के बिल से साबित कर दिया है कि सलमान और उनके साथियों ने क्या पिया। हाई कोर्ट ने कहा कि बिल की तारीख को लेकर उलझन है, 27 सितंबर का बिल पेश किया गया लेकिन सलमान वहां से जब निकले तब तक तारीख बदल चुकी थी, यानी 28 सितंबर 2002 जिस रात दुर्घटना हुई। उसी तरह से सेशन कोर्ट ने गवाहों के बयान को सही माना कि सलमान ही गाड़ी चला रहे थे। हाई कोर्ट ने कहा कि इस पर भ्रम की स्थिति है क्योंकि किसी ने सलमान को गाड़ी चलाते नहीं देखा। फिर बारी थी सलमान के खून के जांच की। सेशन कोर्ट ने माना कि सलमान के खून की जांच करने वाले डॉक्टर का बयान सही है कि उनके मुंह से शराब की बदबू आ रही थी, लेकिन हाई कोर्ट ने कहा कि गवाह नंबर 7 ने क्रॉस एग्जामिनेशन में भी कहा था कि उस समय सलमान खान के मुंह से शराब की बू नहीं आ रही थी, वो लड़खड़ा भी नहीं रहे थे। जांच रिपोर्ट के अनुसार सलमान ने शराब पी थी, लेकिन हाई कोर्ट ने कहा कि ब्लड सैंपल लेने से पहले सलमान की सहमति नहीं ली गई, फॉर्म में उनके दस्तखत नहीं थे। सेशन कोर्ट ने ड्राइवर अशोक सिंह के बयान पर भरोसा नहीं किया कि कार वही चला रहा था, सलमान नहीं। अशोक सिंह इस केस में 13 साल बाद प्रकट होते हैं। हाईकोर्ट ने 13 साल बाद आकर स्वीकार करने के लिए अशोक की सराहना की है। 28 सितंबर 2002 को रविंद्र पाटिल ने जो FIR दर्ज की थी उसमें ये नहीं कहा था कि सलमान शराब के नशे में गाड़ी चला रहे थे, लेकिन उसके 3 दिन बाद मजिस्ट्रेट के सामने बयान दिया कि वो नशे की हालत में गाड़ी चला रहे थे और तेज कार न चलाने की चेतावनी उन्हें दी थी। 13 साल बाद अशोक के प्रकट होने पर तारीफ होती है, पर 3 दिन बाद अपने बयान में कुछ और जोड़ने के लिए पाटिल की तारीफ हुई या नहीं मुझे नहीं पता। अदालत का फैसला सुप्रीम कोर्ट में ही अंतिम माना जाता है, हाई कोर्ट का ये और बात है कि पीड़ित वहां तक पहुंचने की ताकत नहीं रखते हैं, लेकिन क्या वाकई अच्छे वकीलों के होने से मुकदमे में फर्क पड़ता है इस सच को कौन नहीं जानता, लेकिन इन अच्छे वकीलों का लाभ सेशन कोर्ट में सलमान को क्यों नहीं मिला? क्या देश के सारे अच्छे वकील सलमान के साथ हो गए हैं? अगर किसी अच्छे वकील को भरोसा है कि सुप्रीम कोर्ट में वो अब्दुल और शरीफ को इंसाफ दिला सकता है तो वो चुनौती क्यों नहीं दे सकता है? इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्टर रूही भसीन ने एक सवाल उठाया है कि सलमान के वकीलों ने इसी 16 नवंबर को हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी कि इस केस के एक और गवाह कमाल खान को भी बुलाया जाए, लेकिन हाईकोर्ट ने कहा कि ये ऐसा केस नहीं है जिसे कमाल खान के बयान के बिना सुलझाया न जा सके। कमाल खान भी सलमान के साथ उस रात कार में था, वो एक विदेशी नागरिक है। इंसाफ किसके साथ हुआ है, जो मारा गया उसके साथ या जो मारने के आरोप से बच गया उसके साथ? हम प्राइम टाइम में बात करेंगे। वैसे बेहतर है कि आप भी इस राय बनाने से पहले फैसले की पूरी कॉपी को पढ़िए। तो हम फिलहाल चर्चा करते हैं कि क्या अदालतें सिर्फ सबूत देखती हैं, क्या इंसाफ हुआ और जो हुआ वो दिख रहा है। हमारे साथ विराग गुप्ता साहब हैं, वकील हैं, और स्टूडियो में नसीर अब्दुल्ला साहब हैं, आप अभिनेता हैं। राणा अयूब वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ रही हैं, हमारे सहयोगी सुनील सिंह भी जुड़ रहे हैं, और शाइना NCG हैं जो सलमान की दोस्त हैं और राजनेता भी हैं, राजनीतिक मुद्दों पर ज़्यादा सक्रिय रहती हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ रही हैं। थोड़ी देर में सतीश माने शिंदे भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे। विराग साहब, इंसाफ हुआ या होते हुए नहीं दिखा? दोनों चीज़ें हैं। उस रात उस कार में 3 लोग थे, सलमान खान, कमाल खान और उनका सुरक्षा जो अधिकारी था। सुरक्षा अधिकारी ने पहली FIR किया। सुरक्षा अधिकारी ने सलमान खान को टोका कि आप शराब पीकर कितनी तेज कार मत चलाएं, और उसके बेसिस पे पूरा केस चला। उस रात 4 लोग थे, हाईकोर्ट ने अशोक सिंह को भी मान लिया। 4 लोग मान गए, मैं अभी उस पूरे एक पॉइंट की पूरी जो कोर्ट की धज्जी उड़ जाएगी सिर्फ इस बेसिस पे। कोर्ट ने तो अपने हर बात पे दलील दी है। देखिए, एक पूरी व्यवस्था के लिए अगर पूरे सब बहुत बड़े बड़े वकील अगर आ जाएंगे तो किसी भी केस में आप खामियां निकाल सकते हैं।
तो वकीलों का यही काम है, आप वकील हैं तो आप खामी तो निकालेंगे ना। लेकिन जज का काम है इस बात को देखना कि वो खामी के लिए खामी निकाली जा रही है कि क्या उसमें खामी है। प्रश्न एक बात का है, सिर्फ एक बात का। 12 साल बाद जब अशोक सिंह प्रकट हुए तो सलमान खान ने पुलिस के सामने अपने बयान में अशोक सिंह का जिक्र क्यों नहीं किया? सिर्फ एक सवाल। हाईकोर्ट ने बोला कि 131 का जो सीआरपीसी में 131 में जब पहली स्टेटमेंट की बारी आई 12 साल बाद, तब सलमान खान ने इस बात को बोला कि गाड़ी मैं नहीं अशोक सिंह चला रहे थे, मान गए बात इस बात को क्योंकि ट्रायल लेट होता है। लेकिन उसके पहले सीआरपीसी के 161 और 164 जिसमें आपने भी बताया कि पाटिल का बयान हुआ था और भी डिटेल होगा, उस बयानों में पढ़ा नहीं है। हाँ। सिर्फ एक बात है, अगर उस बयान में सलमान खान ने बोला था कि अशोक सिंह गाड़ी चला रहा था तो उन सारे पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और अगर सलमान खान ने नहीं बोला था तो सलमान खान का इंट्रोगेशन किसने किया कि आपने 12 साल तक क्यों चुप रहे? अशोक सिंह की पत्नी ने इंटरव्यू में बोला कि हम 12 साल तक लगातार गए लेकिन हम डर में थे, हम दबाव में थे। किसका डर था, किसका दबाव था? पहले उसमें एक दूसरे ड्राइवर को प्लांट करने की कोशिश की गई अल्ताफ करके, जब वो प्लांट नहीं हुआ, और 2007 में जब ये पाटिल मर गए। दूसरा सवाल, कमाल खान को अगर कोई व्यक्ति जानते हैं सबसे ज्यादा तो सलमान खान जानते हैं, क्या उनकी आपराधिक विधि व्यवस्था में ये उनकी जिम्मेदारी नहीं थी कि अपने मित्र को बुलाकर के उसका स्टेटमेंट दिलाते? वकीलों ने अर्जी दी थी। नहीं, कब, किस समय? 2002 में एक्सीडेंट होने के बाद। हाँ। वो सज्जन विदेश भाग गए। 2003 में उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी होता है, उसके बावजूद वो नहीं आते। वो कब आते हैं? 2008 में, जब पाटिल मर गया होता है तब। प्रश्न इस बात का है, जिसने कंप्लेंट की, ये एक पूरी, ये न्यायिक कथा नहीं है, ये फिल्म है। ये फिल्मी कथा है, ऐसा लग रहा है कि दंत कथा की तरह, दंत कथा की तरह कि जिसमें, पर ठीक है, हम बात करेंगे पर धज्जी वज्जी नहीं उड़ाते हैं कोर्ट का, कोर्ट साहब हमारे पीछे पड़ गए। तो आजकल तो कोर्ट अपनी धज्जियां खुद उड़ाते हैं क्योंकि वो जब जब बोलते हैं कि इस निर्णय, हमने उतना नहीं जाते हैं, ठीक है, हम समीक्षा जरूर करेंगे, नहीं तो फिर इंटेंशन पर डाउट करेंगे तो फिर वो एक दूसरी समस्या हो जाती है। पर सुनील, ये अशोक सिंह वाले बात पर आप कुछ रोशनी डालना चाहेंगे क्या कि 12 साल आने पर कमाल खान के इंटरोगेशन नहीं होने पर अगर वो चौथे व्यक्ति हैं या तीसरे व्यक्ति हैं उस कार में ना होना, इस पे अदालत ने इन समीक्षा के दौरान कुछ कहा है क्या हाईकोर्ट ने? देखिए, हाईकोर्ट ने अशोक सिंह की सराहना की है कि 12 साल बाद वो शख्स आया, अदालत में आया, सही समय पर आया और सही जगह आया, वो मीडिया में ना जाके अदालत में उसने अपनी बातें कही। जबकि इसी अशोक सिंह को सत्र न्यायालय ने उसकी गवाही को मानने से इनकार कर दिया था, क्योंकि सवाल ये था कि उसने आने के बाद जब जो बात बताई थी उसने ये कहा, उससे जब पूछा गया कि 12 साल आप कहाँ थे, अगर आप उस दिन कार में रहे होते तो जितने भी गवाह थे मौका वारदात पे या कार में या बाकी लोग, किसी ने भी तो आपका एक जिक्र किया होता, लेकिन किसी ने भी तब जिक्र नहीं किया था। तब उसका कहना था कि मैं वहाँ पर था, मैं खुद गाड़ी चला रहा था, सलमान भाई ने मुझे ही कहा हादसा होने के बाद कि पुलिस को फ़ोन करो, मैंने पुलिस को 100 नंबर पे फ़ोन किया, उसके बाद मैं पुलिस थाने में गया, वहाँ शाम 4 बजे तक मैं रहा लेकिन पुलिस ने मेरा बयान नहीं लिया। किस पुलिस अफसर से मिले, उसने जिस अफसर का नाम बताया था वो उनका भी निधन हो चुका था, यानी उसका भी फिर से पुष्टि नहीं हो सकती थी उनको बुला के कि उनसे पूछा जा सके क्या वाकई में अशोक सिंह उस दिन पुलिस थाने आया था या नहीं आया था। तो ये एक सवाल पैदा हुआ था। और जैसा अभी बताया गया कि ड्राइवर को लेके तीन बातें उभरी हैं, पहले सलमान खान ने बताया था कि अल्ताफ उनका ड्राइवर था, बीच में एक पत्र दिया गया था मस्जिद के सामने कि गलती हो जाती है, और तीसरा शख्स जो सामने आया वो अशोक सिंह आया। तो इस बात को लेकर भ्रम लगातार बना रहा, लेकिन जिस गवाह को, जिस ड्राइवर को सत्र न्यायालय ने नहीं माना उसकी सराहना बॉम्बे हाईकोर्ट ने की। आज मई महीने में जो आया था वो जो जीरो था, तो वो अगर गाड़ी वो चला रहा था तो क्या उसके इकबालिया बयान के तौर पे स्वीकार किया अदालत ने? क्या उसे दोषी मानने की कोई प्रक्रिया हो सकती है? मैं नहीं जानता, मैंने इस केस को कवर नहीं किया है, कि अगर कोई आके कह रहा है कि गाड़ी मैं चला रहा था तो ये बात तो साबित होती है कि तब दुर्घटना हुई होगी और तब एक व्यक्ति मरा होगा और 4 लोग घायल हुए होंगे, तब क्या इस अशोक सिंह को इस दुर्घटना में कसूरवार बनाने की कोई तैयारी, कोई टिप्पणी इस पर अदालत ने की क्या, या ये अदालत के दायरे के बाहर की चीज होती है? नहीं, देखिए रवि जी, अभी तक इस पर कोई टिप्पणी अदालत ने नहीं की। अदालत ने सिर्फ अशोक सिंह के भले देर से जमीर जागा हो लेकिन उसके आचरण की सराहना की है।
कोई टिप्पणी नहीं की अशोक सिंह के खिलाफ या अशोक सिंह के ऊपर मामला चलाया जाए, ये भी बात नहीं हुई है। ये बात जरूर है कि अदालत ने इस बात को जरूर तस्दीक की है कि जो नूरुल्लाह की जो मौत हुई है वो हादसे की वजह से हुई थी, कार के एक्सीडेंट की वजह से हुई थी, इस बात को माना। लेकिन ये बात अभी भी सवालों में है, ये साफ नहीं है। भले अशोक सिंह दावा कर रहा है लेकिन अदालत ने कहीं नहीं कहा या कहीं नहीं माना या कहीं इस बात की पुष्टि नहीं की कार अशोक सिंह चला रहा था। और ये सवाल हमारे सामने भी उठा था कि अगर सलमान खान कार नहीं चला रहे थे, उन्होंने एक्सीडेंट नहीं किया, तो फिर कौन था? अशोक सिंह था, तो क्या उसके खिलाफ मामला अब बनना चाहिए? तब कुछ कानून के जानकारों ने कहा कि वो वक्त अब निकल चुका है, अब उसके खिलाफ मामला नहीं बन सकता है। अब अदालत का पूरा जब बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला आएगा उसमें कहीं इस बात की बात कहीं कुछ लिखा है क्या, कोई निर्देश है क्या, ये देखने के बाद ही पता चल पाएगा। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि लिखित रूप से फैसला हम में से किसी ने नहीं पढ़ा है। पर सुनील एक सवाल जानना चाहते हैं कि कोर्ट में इन सबूतों में खामियों को उजागर करते हुए अदालत ने पुलिस पर कोई सख्त टिप्पणी की कि पुलिस की मंशा पे कोई टिप्पणी की कि जानबूझकर बचाने का प्रयास लगता है सलमान खान को, या ये भी ये स्टेज नहीं है हाई कोर्ट में इस पर टिप्पणी करने का? नहीं रवि जी, इस तरह की कोई ऐसी टिप्पणी, मंशा की टिप्पणी पुलिस ने नहीं, माफ कीजिए, हाई कोर्ट ने नहीं की है। हाई कोर्ट ने यह टिप्पणी जरूर की कि अभियोजन पक्ष ये साबित करने में नाकामयाब रहा है कि सलमान खान उस दिन कार चला रहे थे या फिर सलमान खान ने शराब पी थी। यानी ऐसे सबूत नहीं है, अभियोजन पक्ष ने जमा नहीं कर पाए जिससे कि सलमान खान को दोषी ठहराया जा सके, ये बात जरूर कहा है। और सिलसिलेवार तरीके से जो भी सबूत, गवाह और जो अहम बिंदु बताए गए थे उन सभी को अदालत ने नकारा है, उस पर सवाल उठाए हैं, उसमें जो गड़बड़ियां पाई गई हैं उसको उल्लेखित किया है, लेकिन कहीं ये नहीं कहा कि ये सब जानबूझकर किया गया। जबकि अगर हम शुरू से मुकदमे को देखें तो ये साफ तौर पर हमें भी दिखता है कि पुलिस की जो कार्रवाई थी, जो जांच थी, वो सही नहीं थी, उस पर पहले से ही सवाल उठे थे। जैसे कि ये कहा गया कि एफआईआर में जब रविंद्र पाटिल के बयान पर एफआईआर दर्ज किया गया तो उसमें पहले दिन शराब का उल्लेख नहीं था, लेकिन 3 दिन बाद उसमें शराब की बात जोड़ दी गई। इस तरह की कई गलतियां हुई थी जांच में और ये सवाल लगातार उठता रहा था। जब मजिस्ट्रेट अदालत में मामला चल रहा था तब भी ये सवाल उठा था, लेकिन अभी के फैसले में कहीं इस तरह की नहीं हुई कि जो गड़बड़ी की गई है वो जानबूझकर गड़बड़ी की गई थी, ये बात अभी तक हमारे सामने नहीं आई बॉम्बे हाईकोर्ट के आज के फैसले में। नासिर साहब, ये जो फैसला आया है, ठीक है कि ये एक अंतिम अदालत से तो नहीं आया है तो उसको लेकर बात तो की जा सकती है, लेकिन जो भी फैसला आया है ये इंसाफ है क्या आपकी नज़र में? क्या आपको नहीं लगता कि वो जो मूल सवाल थे कि उस रात जो हत्या हुई थी दुर्घटना में उसका जवाब तो नहीं मिला? मतलब एक सिंपल इस हो सकता है कि अदालत के सामने यही सवाल हो कि सलमान दोषी है या नहीं, तो अदालत ने उसी का जवाब दिया हो, पर सलमान को सलमान होने का लाभ तो मिला। बहुत लोग ऐसा सोच रहे हैं। जी बिल्कुल, और ठीक सोच रहे हैं मेरे हिसाब से, दैट मतलब ये कि लकी आदमी है कि उनके साथ में ऐसे लॉयर्स थे जो उन्होंने एक बहुत ही स्टिकी विकेट जो बोलते हैं उसमें से उनको निकाला है, उसमें से उनको सेव किया है। और जहाँ तक ये इंसाफ की बात है, इंसाफ क्या है ये भी हो जाएगा मालूम, बट द पॉइंट इज़ के असली बात यह है कि जिन लोगों के साथ ये हुआ है उनकी जो फैमिलीज जो हैं उनके साथ इंसाफ होना था, उसके पैसे उन्होंने दे दिए थे, लेकिन वो अभी तक उनके पास शायद मतलब ये कि ठीक से पहुँचे नहीं, ऐसा कुछ हमको सुनने में आ रहा है कि रेड टेप होता है गवर्नमेंट में ये वो, लेकिन ऑल्सो सलमान खान की फैमिली को बैन किया गया था बाकायदा कि आप उन जो पीड़ित की फैमिली है उनसे मिल नहीं सकते क्योंकि आप उन्हें इन्फ्लुएंस कर दें, ये कर दें, वो कर दें, तो वो बल्कि चाहते थे कि उनके लिए और करें, बट उन पर ऑर्डर था ऑफ द कोर्ट, ये बात मैं जानता हूँ। खैर, मगर मैं कहीं पे इस बात से सहमत तो हूँ कि एक बात पाटिल के लिए भी कुछ करना चाहते होंगे ये भी आप जानते हैं क्या? पार्टी के लिए, रविंद्र पाटिल के लिए, उसके बारे में नहीं पता मुझे, उसके बारे में नहीं, जो हलाक हुए थे और जो वहां पे जख्मी होती है हुए थे उनकी फैमिलीज के बारे में मुझे मालूम है, और उनकी फैमिलीज के मेंबर्स ने ऐसा कहा है कि हम नहीं चाहते कि सलमान को जेल हो, फलाना हो, धमाका हो, हम अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाना चाहते हैं एंड यू नो हमें जो मिल जाए हमारी हेल्प के लिए। अच्छा, अब ये आता है कि एक बात मेरे दिमाग में जो आती है कि उनके साथ जो हुआ वो बहुत ही दुखदनाथ
मतलब ये कि इंसिडेंट था, और मगर एक बात यह है कि एक इरादे की बात होती है कि उनका कोई इरादा नहीं था कि कोई ये कि जख्मी हो, उसकी मौत हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, तो इस लिहाज से मैं हल्का सा सोचता हूं कि कहीं ना कहीं पे ऐसा है कि ऐसे इंसान को कुछ हद तक माफ कर दिया जाए, मगर ऐसे नहीं कि माफ कर दिया जाए, उसके ऊपर बहुत ही बड़ा फाइन हुआ जाए, ये हो वो हो। एंड मैं ये बात माफ कर दिया जैसे नहीं, मतलब ये बात मैं, क्योंकि इरादा नहीं है ऐसा। हाँ। अब जो बलात्कारी होता है उसके लिए मैं कहूंगा सीधा उसको फांसी पे डालो। ठीक है, ठीक है, बट आई एम हैप्पी फॉर हिम, उनकी फैमिली के लिए मैं खुश हूं, उनकी फैमिली के लिए। आपसे सवाल है, अगर लाइन क्लियर हो, कि आप इस फैसले से खुश हैं या आप भी झुंझला रही हैं बहुत लोगों की तरह कि पुलिस ने अपनी जांच का काम सही नहीं किया और महाराष्ट्र में आपकी सरकार को पुलिस के खिलाफ भी जांच करनी चाहिए और ये लोगों को बताना चाहिए कि शाइना जी की मैं आपसे सवाल कर रहा हूं कि क्या वो सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले को चुनौती देने जा रही है, और देने से पहले ये जो सबूत हैं जिन पे कमियां निकाली गई हैं उनको कुछ दुरुस्त करके जाएंगे। मुझे मालूम नहीं कि इस स्टेज पे उन कमियों को दुरुस्त किया जा सकता है या नहीं, मैं कानूनी रूप से नहीं जानता, लेकिन फिर भी मैं एक राजनीतिक सवाल पूछ रहा हूं, आपकी सरकार क्या करेगी मैम? जी, सबसे पहले रवीश जी मैं ये कहना चाहती हूं कि हमारी सरकार की कोई भूमिका नहीं है इस केस के ऊपर, लेकिन हाल ही में हमारे चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि वो कंसल्ट करेंगे एडवोकेट जनरल से और जो वो उचित लगे तो सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। वहां रहा पार्टी का पक्ष, अभी आप मेरे व्यक्तिगत राय मत को जानना चाहते हैं तो मैं सिर्फ संक्षेप में दो पॉइंट्स उजागर करना चाहती हूं। सबसे पहले कल्पेबिलिटी कौन स्थापित करता है और किस ढंग से, 13 साल एक केस चलता है, 2002 में कहते हैं कि आप 20 लाख डिपॉजिट कीजिए इस विक्टिम के लिए जो तुरंत किया जाए, लेकिन उससे कोई तुलना नहीं कर सकते हैं क्योंकि एक जिंदगी गई है जरूर, और सलमान खान और उनके परिवार चाहेंगे कि ना सिर्फ यहां तक सीमित लेकिन उनके जिंदगी भर उनकी देखभाल करें, वो रही एक सामाजिक दृष्टि से एक दृष्टिकोण, लेकिन उससे कोई ये मानने के लिए तैयार नहीं या तैयार है कि ये हादसा था, कौन बैठा था, कौन शराब के नशे में थे या नहीं थे, किसको सजा मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए, ये रवीश जी और मैं नहीं तय कर सकते हैं या कोई सरकार भी नहीं तय कर सकती। मैं एक चीज जानना चाहता हूं, मैं फिल्म जगत की बात नहीं कर रहा, जज कहता है कि सबूत के हिसाब से। ठीक है, पर एक बात है मैम कि आप लोग राजनीतिक हैं, सरकारें हैं जिनका तो काम होता है किसी गरीब का साथ देना, नहीं बनता है। हाँ, पर उन सरकारों में वो बेचैनी मुझे नहीं दिखी, बिल्कुल है ना, वो बेचैनी नहीं दिखी कि वो जो 4 लोग मारे गए हैं उनके इंसाफ के लिए हम और लड़ेंगे या और जांच करेंगे। ठीक है कि जो सबूत पेश किए गए तो वो सबूत अगर मुकम्मल नहीं है तो ये भी बताया जाना चाहिए था कि कौन गाड़ी चला रहा है, इस सवाल को लेकर तो सबको परेशान होना चाहिए। ठीक है, सलमान खान को छोड़ दीजिए, अगर वो दोषी नहीं थे तो एक सरकार को, महाराष्ट्र की पुलिस को, मुंबई की पुलिस को इस बात को लेकर परेशान होना चाहिए कि वो गाड़ी कौन चला रहा था उस दिन, क्या उस दिन कोई मरा या नहीं मरा, ये अशोक सिंह जो आया है क्या उसके खिलाफ कुछ किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, ये सब सवालों से तो परेशान हो सकते हैं ना, जैसे आजकल राहुल गांधी और सोनिया गांधी। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, देखिए आप बिल्कुल सही विश्लेषण कर रहे हैं और मैं आपसे सहमत हूँ। मैं सिर्फ जो पॉइंट इस्टेब्लिश करना चाहती हूं कि सबूत के आधार पे तय होता है कि वर्डिक्ट क्या है। अभी आप देखें कि जो नीचे कोर्ट्स में एक बिल्कुल विपरीत जजमेंट देने के बावजूद जो यहां जज ने सोचा नहीं कि ये गुनहगार नहीं है, तो वो जज की भी दाद देनी चाहिए कि उन्होंने जुडिशरी फ्री एंड फेयर प्रोसेस में उनके हिसाब से सबूत नहीं है और उन्होंने ये सोचा कि एज अ ट्रेन्ड एक्सपर्ट ऑन जुडिशियल एंड हैविंग द जुडिशियल एक्सपर्टीज कि सलमान खान गुनहगार नहीं है। अभी मुद्दा ये है कि जो लोग पिटीशन में
दखलंदाज तो मैं शब्द नहीं इस्तेमाल करूंगी, लेकिन जो 11 साल बाद उठ के प्रश्न चिन्ह उठाते हैं, क्या उन्होंने भी ये सवाल उठाए? क्योंकि ये सलमान खान है, उसके प्रति भी चर्चा कीजिए। क्या मीडिया ट्रायल के बावजूद, पब्लिक परसेप्शन के बावजूद कि वो गुनहगार है, उसके बावजूद जो जज ने एक निर्णय दिया है, तो वो किस आधार पे? तो वो जज को ना समझ मत समझिए, एंड बिलीव इन ए फ्री एंड फेयर जुडिशरी। यही मेरा लिमिटेड पॉइंट है। राणा, एक सवाल है कि जब इसी ट्रायल कोर्ट ने 5 साल की सजा दी और फिर हाई कोर्ट ने सबूतों को नहीं माना, ठीक है, तब तो हम नहीं कह रहे थे कि अदालतें अमीर लोगों का या ऐसे सेलिब्रिटी लोगों का साथ देती हैं, क्योंकि 5 साल की सजा भी कम सजा नहीं होती है। अब जब वो छोड़ दिए गए हैं, तो हम ऐसे अपनी सुविधा के अनुसार इस सवाल को क्यों चुन रहे हैं? क्या इसलिए कि वो सलमान खान हैं? क्या उनका मीडिया ट्रायल हो रहा है, जो अभी शाइना ने कहा? मजाक लगता है रविश, जब कोई कहता है कि सलमान खान का मीडिया ट्रायल हो रहा है। एक इंसान जिसने शराब धुत, शराब के नशे में लोगों के ऊपर गाड़ी चला दी, वहां से भाग गया, 12 साल लगे उस केस को चलने के लिए, और हम कहते हैं, हम ये दोष दे रहे हैं कि मीडिया ट्रायल हुआ है। हमें शर्मिंदगी होनी चाहिए आज के दिन, हमें गुस्सा आना चाहिए, घृणा होनी चाहिए, गुस्सा आना चाहिए उन लोगों पर जो वहां पटाखे फोड़ रहे हैं। किस तरह का इनसेंसिटिव समाज है कि 3 लोग मरे हैं, हमें उनकी चिंता नहीं है, लेकिन इस बात की चिंता है कि सलमान खान का मीडिया ट्रायल हुआ है क्योंकि वो सेलिब्रिटी हैं। किस तरह का, ये बात जुडिशरी की नहीं है, ये वो कि जुडिशरी ने पहले 5 साल की सजा दी और जुडिशरी ने आज फौरन एक्विटल कर दिया। ये 12 साल में इस केस में रविंद्र पाटिल कभी हीरो बनते हैं, कभी इनके ड्राइवर हीरो बनते हैं, ये मजाक बन गया है। और आज आप उन लोगों की सोचिए जिनके पास सलमान खान जैसे लॉयर नहीं है, जिनके पास सलमान खान जितना पैसा नहीं है, जो कोर्ट के धक्के खा रहे हैं, वो जब आप टीवी पर ये सब देख रहे होंगे तो उन पर क्या असर हो रहा होगा? ये आज देश का, ये हम आज देश का सिस्टम है, ये जुडिशरी की बात नहीं है, यहाँ पब्लिक प्रोसिक्यूटर का और यहाँ पे इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को भी हमें यहाँ पर लाना होगा कि किस तरह की इन्वेस्टिगेशन 12 साल से चल रही थी। वो तो रही एक तरफ की बात, दूसरी तरफ है हमारे सलमान खान साहब जिन्होंने बजरंगी भाईजान फिल्म की ह्यूमैनिटी की बात कर रहे हैं। मैं पर्सनल नहीं होना चाहती हूँ, जो बींग ह्यूमन की बहुत बात कर रहे हैं पिछले 12 साल से, जब से ये केस हुआ है अनकैनली। क्या कभी उन्होंने रविंद्र पाटिल की फैमिली, जो बहुत ही बुरे हालात में मरे हैं, जिनका बहुत, जब वो मरे हैं तो बहुत उनकी बीमारियों के तहत उनके बिस्तर के आसपास कोई नहीं था, और सलमान के पर्सनल ड्राइवर थे, छोड़िए कि 3 लोग आपने, वो एक बार दरकिनार कर देंगे, 3 लोगों को मारा है, क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती थी कि आप उस पर्सनल, उस इंसान की तरफ अपना रुख करें? तो ये कौन सा सेलिब्रिटी ट्रायल है? सलमान खान को कौन सा ट्रायल बाय मीडिया हुई है? पता है कि उन्होंने नहीं किया? आपको कैसे पता कि उन्होंने नहीं किया? आपको कैसे पता है कि उन्होंने किया? नहीं, क्या आपको पता है कि उन्होंने किया? शाइना, एक मिनट, जिस तरह से उनकी मौत हुई है शाइना, मदद कर देने से अपराध कम नहीं हो जाता, उसकी सजा कम नहीं होती है। कानून में ये नहीं लिखा हुआ है कि मदद कर देने से दोष कम हो जाएगा, तो बेहतर है कि हम इस बिंदु पे यहाँ लाए ही ना। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप रविश जी, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं रविश जी, लेकिन इसके साथ साथ प्लीज इनकी नियत के बारे में प्रश्न चिन्ह उठाना मुझे लगता है गलत होगा, क्योंकि उन्होंने हजारों लाखों लोगों की जिंदगी में परिवर्तन लाया। ये आपको लगे कि बड़ा आदमी जिंदा है उसके लिए राणा जी का लिमिटेड पॉइंट है। शाइना जी, फिर तो हमें सारे अक्यूज की नियत पर भी शक नहीं करना चाहिए? क्या हम सलमान खान की नियत की बात करते हैं, फिर तो हमें देश के जितने क्रिमिनल है सबकी नियत देखनी पड़ेगी। फिर तो बाप रे बाप, सबकी नियत देखनी पड़ेगी। माने शिंदे साहब हमारे साथ, सबसे पहले ये केस क्लोज नहीं हुआ है। हाँ, अभी सुप्रीम कोर्ट, ये बात सही है। माने शिंदे साहब, मैं एक बात जानना चाहता हूँ, लीगल बात जानना चाहता हूँ। अदालत सबूतों के आधार पर फैसला करती है। एक सेकंड सर, शायद उसकी तरफ नहीं देखती है, कानून यही देखेगी जो एविडेंस आई है कोर्ट में, और जिसके जिसके एब्सोल्युटली जिसके आधार पे वो केस चलाया जा सकता है। पर सतीश जी, ये जो गरीब और अमीर आदमी की बात करते हैं, सतीश जी मैं आपसे लीगली सवाल पूछ रहा हूँ, मेरे ख्याल एक से टोटली यूजलेस है ये, अगर ये बात है, मैं यहाँ विराट, लेकिन अमीर आदमियों को अच्छे वकील मिल जाते हैं। हाँ, ऐसा नहीं है कि गरीब लोगों को खराब आदमी मिलता है, खराब वकील मिलेगा।
तो सतीश जी आप मेरा गरीब लोगों का केस लड़ते हैं। सिर्फ एक जजमेंट है हमारे सुप्रीम कोर्ट का 2003 में संजय नंदा के केस में, उसके आधार पे सलमान को इस कानून के हिसाब से उनको ट्रायल चला गया, ठीक है, लेकिन ये तो मामूली एक्सीडेंट थी, लेकिन ये तो पर मेरा एक सवाल है सतीश जी, केस इतना बढ़ गया है, हजारों केसेस है जो इंडिया में हम देखते हैं कि ड्रंकन ड्राइविंग के वजह से लोग गुजर जाते हैं, उनको कॉम्पनसेशन मिलता है। 20 लाख डिपॉजिट किए थे सलमान हाईकोर्ट में विद इन वन मंथ, उसका तो कोई जिक्र है ही नहीं है। आदमी जो विक्टिम था उसको पैसे मिले नहीं है, उसको आप मामूली ना पैसा कहें जो पड़ा है पर हाईकोर्ट में पड़ा है। सतीश जी आप मुझे सुन पा रहे हैं क्या? आप मुझे सुन पा रहे हैं क्या? कर सकते हैं, लेकिन मेरा एक सवाल है, अगर आप सुन पा रहे हैं तो चलाई है, नहीं सुन पा रहे वो मेरे ख्याल से अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाएगी, जो सुप्रीम कोर्ट बोलेगी वही कानून। एक सेकंड रुकिए सर, मेरा एक सवाल है कि अगर सबूत ही सब अंतिम है तो ठीक है, वही सबूत हैं, एक एक उसी सबूत को एक अदालत 5 साल के लिए दोषी मानती है, उसी सबूत के आधार पर एक अदालत कहती है कि ये सबूत ही नहीं है, इतना अंतर कैसे आ जा सकता है? अगर सबूत अंतिम है तो दो जजों के फैसले में अंतर कैसे आ गया? नहीं है, इसका मतलब है कि सबूत अंतिम नहीं है, उन सबूतों का विश्लेषण अंतिम है। ये जो फैसला जो है दो जजों के, हाईकोर्ट के फैसला जो है, हाईकोर्ट का जो फैसला है वो अंतिम फैसला नहीं है, सुप्रीम कोर्ट तक मैटर जा सकती है, उसका भी हमें जिक्र करना पड़ेगा, क्योंकि जो भी आधार पर हाईकोर्ट ने उसको बरी की है, मैं आपसे लीगल जानना चाहता हूं सर, एक चलाएगी आप मुझे बताइए ना, अगर सबूत अंतिम पता चले कि कमाल खान को एग्जामिन करना चाहिए था वो कर सकती है,